ऐसा लगता है भ्रष्टाचार रूपी राक्षस ने मानो हम देशवासियों को पूरी तरह जकड़ लिया है। जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार, लेकिन कहीं कहीं ये भ्रष्टाचार रूपी राक्षस इतना विशाल हो जाता है कि वह पूरी योजना को ही निगल लेता है। अब आप कटिहार के आजमनगर प्रखंड की चौलहर पंचायत में बनने वाली इस सड़क को ही ले लीजिए। निर्माण लागत 2.5 करोड़ से भी अधिक, 2,53,92,141 रुपए। सड़क अत्यंत महंगी है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता बस पूछिए मत। पहले इसके एक दूसरे हिस्से को भी जान लीजिए। इस सड़क का निर्माण कार्य 9 अप्रैल 2022 को ही पूरा हो जाना था, यानी 1.5 वर्ष पहले ही पूरा हो जाना था, लेकिन उस समय सिर्फ गिट्टी डालकर सड़क को यूं ही छोड़ दिया गया। 1.5 वर्ष बाद अब इस गिट्टी पर बिना रोलर चलाए ही मिट्टी और पीच डालकर निर्माण की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, यानी जनता के 2.5 करोड़ रुपए गए पानी में। जब इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर आलम ने जेई जान अंसारी से पूछा तो उनका वही घिसा पीटा जवाब, हमारी मौजूदगी में तो काम अच्छा था, बाकी हम आकर देख लेंगे। आप खुद सुनिए हमारे संवाददाता नासिर आलम के साथ जेई जान अंसारी की कॉल रिकॉर्डिंग। हाँ हेलो, हाँ आजमनगर से नासिर बोल रहे हैं सर। सर आजमनगर प्रखंड में चौलहर और मढ़ी ढाला के बीच में सड़क बन रही है, ग्रामीण जो है गुणवत्ता की कमी का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि बिना जेई की अनुपस्थिति में ही जो है काम हो रहा है। और क्या कहना, जेई की अनुपस्थिति में जेई दिन भर तो बैठ के नहीं करेंगे। हम गए थे और उसका थिकनेस वगैरह नापे, सब ठीक है। 20 mm करना था उसको दाब करके, 22-23 mm आया हमारा नापी, उसका नापी हम लिए। लेकिन लोगों का आरोप है सर, हिदायती में ही बिना भागी जी आरोप अब गांव वाले तो लगाई करते हैं, सफाई उफाई करके करिए रहा है जी। लगाता है लेकिन काम सही था और डिले हुआ है काम। धरातल पर जो है मिट्टी युक्त गिट्टी में पूरा धूल उड़ रहा है, उसी में पिचिंग धूल उड़ रहा है। पहले धूल उड़ रहा था तो उसको सफाई करिए के ना, बहुत दिन का मेटल किया हुआ है तो धूल उड़ेगा ही, उसको सफाई करके कर रहा है। हमारे पास वीडियो है, ठीक है। धूल उड़ाते पहले कहना है, धूल धूल में कर नहीं ना रहा है, धूल के ऊपर तो तेल दे रहा है। वर्तमान की बात है सर, स्पोर्ट अभी स्पोर्ट में है, स्पोर्ट की बात है जी। तो अभी तो स्पोर्ट पर हम है नहीं, अभी तो हम वहाँ नहीं, उसको बोल दिया गया है सफाई करके ही करेगा ना, ऐसा थोड़े है कि। लेकिन नहीं हो रहा है सर, क्या कार्रवाई की उम्मीद रखे? नहीं कार्रवाई का, हम लोग कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा करेगा तो कार्रवाई करेंगे जी। ठीक है सर, ठीक है, हम आते हैं उनको तो देख लेंगे लोग जी। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। अब इस सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों का पक्ष भी सुन लीजिए। ये अच्छी सड़क नहीं बन रही है सर, 1 साल में यह सड़क उखड़ जाएगी। और जो है कभी प्रेशर मशीन नहीं चलवाया, कभी कभी जो है यह प्रेशर देखे ये कुछ धूल में बना रहा है। 1 साल मुश्किल से 1 साल रोड होगा, 1 साल के बाद रुकेगा। रोलर भी नहीं चला है, कभी रोलर भी नहीं चला है, बिना रोलर का ही चल रहा है। नहीं रोलर भी नहीं चला है कभी, ना कोई वाइब्रेशन मशीन चलवाया, ऐसे जो है वो लोग इसमें कर रहा है, पिच कर रहा है। किसमें डाल रहा है पिच? पिच जो है उससे गाड़ी से लेके आता है और मिट्टी उट्टी कहीं कोई सफाई नहीं, इसे मार्केट में जो है पिच करता है, हवा वाला मशीन भी नहीं मार रहा है। हम लोग का कहना है कि अच्छा से अच्छा रोड बने, सरकार की पैसा जो खर्च हो रहा है तो सही यूज हो। इस सड़क का भविष्य क्या देखते हैं, कितना दिन टिकेगा? यह साल जो है यह 6-7 महीना 8 महीना में जो है इसका 8 महीना तक इसका खत्म हो जाएगा, 1 साल तक मुश्किल से मान के चलिए। इसलिए पूरे बिहार का धान वगैरह सब चढ़ेगा तो रोड में खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको जो है सही रोड बने और सही इसमें जो है देख रेख हो और वाइब्रेशन मशीन वगैरह चला के प्रेशर मार के जो है काम करें। अब ये भी जान लीजिए कि सड़क का निर्माण कार्य हो कहां रहा है। ये सड़क बन रही है कटिहार के आजमनगर प्रखंड की चौलहर पंचायत से लेकर मलहरिया पंचायत मनी ढाला तक। अब सवाल तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता से लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर है। आखिर सड़क निर्माण कार्य में इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जा रहा है? व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी न भूल पाएंगे आप, मामास फूड कॉर्नर। जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी।
चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।